अरे वाह मजा आ गया। हाँ तोते चैन कहाँ हो? बुला हूँ। अरे तोते चैन ये क्या कर रहे हो तोते चैन? कुछ सुना? मैंने किसी की आवाज सुनी। अरे ये तो मेहमत का बच्चा है। रुक कर लो बात। ये मस्ती कर रहा है। काम कौन से कम है? अरे बाप रे शेर आ गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ है। तोते चैन दिखाओ अपना कमाल। बस देखते जो तुम है तो आगे बढ़ो। आ जाओ तोते चैन, शेर को चुटकियों में हरा देगा। भागो। मेरा ये मतलब नहीं था। भागो। अरे रुक जाओ। भागो। तुम्हें मुझसे पंगा लेना था। बाऊ 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 मेहमत आ गया। बाऊ वो तुम्हारे अप्पा है। वो तो अम्मा है। मानना पड़ेगा तुम्हारी अम्मा तो सच में बहुत ताकतवर है। अम्मा अप्पा हम इस मेहमत के बच्चे को घर रख सकते हैं? इस मेहमत के बच्चे को? हाँ बिल्कुल है। लेकिन अप्पा इसकी अम्मा हम सबको शेर से बचाते हुए पहाड़ से नीचे गिर गई। अब इसका दुनिया में कोई नहीं रहा। ये यहाँ नहीं रह सकता। कौन? तुम तो जानते हो ना हम घर में जानवर नहीं रखते। अगर तुम इसके साथ दोस्ती कर लोगे और जब ये बड़ा हो जाएगा तो तुम इसके खाने का इंतजाम कैसे करोगे? मैं नहीं करूँगा। अगर तुम नहीं करोगे तो भी तुम्हारे अम्मा अप्पा इसे नहीं छोड़ने वाले। मुझे पता है ये बड़ा होकर बहुत ही टेस्टी मेहमत बनेगा। मेरे मुँह में तो अभी से पानी आ रहा है। तोते चैन जल्दी से इसे यहाँ से कहीं दूर लेके चलो। जल्दी करो। गॉन मैं नहीं चाहता बाद में इसका शिकार होने पर तुम्हें अफसोस हो। बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। अभी तो हम इसके साथ ही इसलिए खुश है, बाद में इसका क्या होगा? अरे ये तो वही शेर है, ये फिर से टपक पड़ा। तोते चैन इस बार इसे छोड़ना मत। इस बार तू नहीं बचेगा। आ जा। भागो। फिर गलत तरफ जा रहा है।
आखिर इसकी अम्मा वापस आ ही गई। कितनी खुशी की बात है। पनौती का एजेंट। आजा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आजा। अप्पा। अब ठीक तो है ना? क्या हुआ? आजकल मेरे शिकार की टाइमिंग को जंग लग गई है। कोई बात नहीं अप्पा, लेकिन आप खाली हाथ घर जाएंगे तो आपको पता है ना अम्मा कितना गुस्सा करेंगी। हाँ मुझे पता है, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा। वो रहा शिकार। रुक जा। आप ठीक तो है ना अप्पा? मैं आपको ये क्या उठा लिया मैंने? मेरा बेड लक ही खराब चल रहा है, हर काम में गड़बड़ हो जाती है, अब मैं क्या करूं? सब ठीक हो जाएगा अप्पा, चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है ये सब पनौती के एजेंट की वजह से हो रहा है। अच्छा तो ये बात है, ये मेरे गले पड़ा हुआ है। चलो भाई एजेंट, मेरी बहुत बैंड बजा ली, अब तो जाओ। ये ऐसे नहीं मानेगा, तो चंचूर हो जाओ। अब देखो मेरा कमाल। मेरी किस्मत सच में आजकल पांडिचेरी की चेरी खाने गई है। अरे तुम फिर से आ गए? तुम अप्पा के साथ साथ रहोगे पर इस तरह कब तक रहोगे उनके साथ? आप इससे ऐसे बात करिए जैसे ये कोई मेहमान हो। अगर वो मेहमान नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे घर से निकाल दें। कुछ दिन रहने दो। तुम इसे अपने साथ रखना चाहती हो? ये बेड लक का एजेंट है, अगर ये हमारे साथ रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वैसे आज खाने में क्या बनाया तुमने? खाने में आज तुम शिकार करके लाए नहीं और कल का खाना कुछ बचा नहीं। इस एजेंट का जल्दी कोई इंतजाम करना पड़ेगा, वरना अगर यही हाल है तो पूरी जिंदगी भूख हड़ताल करके निकालनी पड़ेगी। समझ गया ना तोतीचन? समझ गया। अब तू नहीं बचेगा। अप्पा इसे कितनी दूर छोड़कर आना है? इतनी दूर कि ये वापस ही ना आ सके। मेरे ख्याल से इतनी दूर काफी रहेगा। धीरे धीरे भागो। काम आसानी से हो गया। सच कहा, हमने पनौती को भगा दिया, कल से सब ठीक हो जाएगा। ये फिर से आ गया। कैसे हो गया? असल में बहुत थका हुआ लग रहा था। मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। और तेज भागो, हमें इसे बहुत दूर छोड़कर आना है, अब ये वापस नहीं आना चाहिए। और दूर चलो। मुझे लगता है अब ये वापस नहीं आ पाएगा, फेंक दो। बैड लक का एजेंट आ गया। ये बेचारा बहुत भूखा लग रहा था। मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने इस भूखे को सारा खाना खिला दिया। मुझे बहुत भूख लग रही है। इस पर बहुत तरस आता है। आवाज मत करो। बहुत अच्छे तोते चैन, चलो अब इसे कहीं दूर छोड़कर आते हैं। अप्पा इतनी दूर काफी है ना? नहीं थोड़ी दूर और चलो, नहीं तो ये वापस आ जाएगा। अब ये यहाँ से कभी वापस नहीं आएगा। मिल गई मुसीबत। चलो पीछा छूटा, अब ये कभी नहीं आएगा। कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम पहले की तरह चैन से अपनी जिंदगी गुजारेंगे।
अप्पा ये देखिए, ये ठीक है ना? हाँ, इससे काम हो जाएगा। गॉन के अप्पा, मेरी एक बात सुनो, मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से बैड लक के एजेंट से पीछा छुड़ा पाओगे। तुम उसकी टेंशन मत लो, बस तुम इसे मेरी पीठ से उतार कर इस बोरे में डाल दो, बाकी मैं देख लूँगा। चलो, बहुत मस्त की सवारी कर ली। चलो चलो शुरू करो। अब तुम जाओ। दोबारा जरूर आना। वो तुम्हारा रिश्तेदार लगता है जो दोबारा आने के लिए कह रही हूँ। रोक कर लो बात। हमारे स्पेसशिप से कोई चीज टकराई है। क्या चीज हो सकती है? लगता है कोई आदमी है। अरे ये तो बैड लक का एजेंट है। मत के बच्चे, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असली ताकत। आजा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं आज। हाँ, हमने उस एजेंट को बेकार में भगा दिया। असल बात तो ये है कि शिकार करना अप्पा के बस की बात नहीं रही। आपने सही कहा। अरे बैड लक का एजेंट, वो वापस आ गया। बच गया बैंड। पीको चांद के लिए बादाम इकट्ठे करने हैं। अरे पीको, कैसे आना हुआ? गॉन और तोते चंद कहाँ है? वो दोनों तो यहाँ पर नहीं है। नहीं है? मैं तो उन्हें अपने साथ बादाम इकट्ठे करने ले जाने आई थी, लेकिन अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं। अम्मा, वो गई क्या? क्या हुआ, तुम्हें पीको के साथ जाना अच्छा नहीं लगता क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें बादाम इकट्ठे करना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हम पहले एक बार उसके साथ गए थे। अरे थोड़ा तेज चलो। तोते चंद, थोड़ा और जोर लगाओ। और कितना जोर लगाऊं? बादाम इकट्ठे करने के लिए मैं और गॉन काफी थे। तोते चंद, तुम्हें हमारे साथ आने की क्या जरूरत थी? बेकार ही हमारे पीछे पीछे रहते हो। चलो चलो चलो, जल्दी काम करो, बहुत बुरे काम करते हो। जल्दी करो, जल्दी करो। और वो हमेशा हमारे साथ ऐसा ही करती है। ये सच है अम्मा? असल में पीको बहुत जिद्दी लड़की है और उसे समझाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तुम यही हो? अरे पीको, पीको चैन फिर से आ गई। चलो जल्दी चलो, मुझसे छुप रहे थे। छोड़ दो। तुम दोनों ने आज खाना नहीं खाया क्या? तोते चैन, थोड़ा और जोर लगा। और कितना जोर लगाऊं? हम पहुंच गए। मैं तो बहुत थक गया। ऐसा क्या कर लिया जो तुम थक गए? आराम मत करो, उठो और फटाफट बादाम इकट्ठे करना शुरू करो। ये तुम क्या कह रही हो पीको? आराम करने दो। मैं तुम्हें यहाँ बादाम इकट्ठे करवाने के लिए लाई हूँ, फौरन काम पे लग जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरा गुस्सा तुम जाते हो। अब जल्दी से काम पे लग जाओ। हम करते हैं, बादाम इकट्ठे करते हैं। पीको चैन, क्या है? यहाँ तो एक भी बादाम नहीं है। सब जगह देख लिया। तो इसके लिए मुझे क्या परेशान कर रहे हो? जाकर उस पेड़ को हिलाओ, बादाम अपने आप नीचे गिर पड़ेंगे। शुरू हो जाओ तोते चैन। देखा कितना आसान काम है। पीको चैन, तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गॉन। चलो हम मिलकर बादाम इकट्ठे करते हैं। रुको गॉन और तोते चैन, ऐसा करो, तुम दोनों आराम करो, बादाम मैं इकट्ठे कर लूँगी।
ये पीकू को अचानक क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ? मुझे कुछ हो गया है क्या? तुम बदल गई हो। मुझे भी लगता है। असल में बात यह है कि इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिरे, इसलिए मैं जिद्दी पीको से अच्छे पीको बन गई हूँ। ये सच कह रही है? ये तो अजूबा है। हाँ बिल्कुल, अब मैं तुम दोनों के खाने के लिए कुछ लाती हूँ। खाना कैसा है? बहुत अच्छा है, थैंक यू। लो कर लो बात। जब तक तुम दोनों खाना खा रहे हो तब तक मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा गाना गाती हूँ। नहीं, तुम्हें गाना गाने की कोई जरूरत नहीं है पीको। हम उसे सुन नहीं पाएंगे। तुम अपना खाना खाओ। असल में ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे बादाम मेरे सिर पर गिरे, इसलिए मैं जिद पीको से एकदम अच्छे पीको बन गई हूँ। लारी 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 रा। मुझे लगता है कि इसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। अब इसका क्या होगा? खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना सेहत के लिए अच्छा होता है। क्यों, आराम मिल रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तोते चन तुम्हें? ये पूछने की बात है। तुम ठीक हो ना पीको चन? क्या कर रहे हो लोग? क्या हो गया पीको चन? पीको पहले वाली पीको नहीं रही, उसके सिर पर फिर से बादाम गिर गए और इसलिए वो अच्छी पीको से सिद्ध पीको बन गई है। पीको इतना गुस्सा मत करो, अच्छा नहीं है। गलत बात है। वक्त बर्बाद मत करो और बादाम इकट्ठे करो। अब ठीक है, मैं जरा सो लेती हूँ। वो कुछ देर पहले कितनी अच्छी हो गई थी, हमें कितना आराम मिला था। अब समझा, तुम पीको के ऊपर वापस बादाम गिरा दो तो वो फिर से अच्छी पीको बन जाएगी। बात में दम है। शुरू करो। ओए तोते चैन, क्या हो गया? कहाँ है वो जिद्दी और नक्चरी पीको जो अभी अभी सोने के लिए गई है? जल्दी बताओ क्योंकि मैं अभी अच्छा गौर नहीं रहा। ओए तोते चैन, ये पीको इतनी देर तक क्यों सो रही है? उसे जगाओ और काम करवाओ। अगर तुमने उसे नहीं जगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अच्छा गौर नहीं रहा, समझे? नहीं, मैं उसे नहीं उठा सकता। जल्दी उठाओ उसे और उसे उठाकर उससे काम करवाओ। कहाँ फंस गया? नहीं, मुझे अपने ये सुंदर गाल लाल नहीं करवाने। क्या कहा? तुम उसे जगा कर उससे काम करवा लोगे ना? तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ करवा लूँगा। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। अच्छी बात है बॉस। वो देख तो नहीं रहा ना? यहाँ से बादाम गिरेंगे उस पर, और यहाँ से गिरेंगे उस पर भी। क्या किया जाए? आइडिया, गोन पर गिराता।